नमस्कार, ये डेटा क्या कहता है, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भारत में कोई छोटा या मध्यम एंटरप्राइज चलाते हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, और ख़ास करके अगर आप रिटेल या ई कॉमर्स में हैं, तो ये कार्यक्रम आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में एक बहुत भारी तब्दीली होने वाली है भारत के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। आने वाले समय में भारत सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे छोटे और मध्यम व्यापारियों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, खासकर वो लोग जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं। और इसी वजह से जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, टाटा, रिलायंस वगैरह, वो सब थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ONDC की। ONDC इसका ऐलान भारत सरकार पिछले एक दो दिन में ये कर चुकी है। आप अगर इंटरनेट पर जाएंगे और ONDC को सर्च करेंगे तो ऊपर ही आपको कुछ इस तरह की स्टोरीज नज़र आएंगी। ONDC, गवर्नमेंट्स अमेज़न फ्लिपकार्ट चैलेंजर। ONDC, गवर्नमेंट बैक्ड ई कॉमर्स नेटवर्क टू टेक ऑन अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC गेट्स फंड इन्फ्यूजन ऑफ 157 करोड़। तो तरह इस टाइप की आपको खबर नज़र आएंगी। तो ये ONDC क्या चीज़ है? ONDC का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक टेक्निकल टर्म है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपको केवल इसको समझाऊंगा कि इससे आपके कितने फायदे हो सकते हैं। अभी कल ही की ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, ONDC टू लॉन्च इन अप्रैल, 10 कंपनी सेट टू रोल आउट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट अब लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन स्टेबलाइज होने में अभी भी वक्त है। तो ONDC को समझने से पहले मैं आपको यहाँ हिंदुस्तान का रिटेल मार्केट और ई कॉमर्स मार्केट के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा, और तभी आपको समझ आएगा कि ONDC से आपके कितना ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। और इस एपिसोड का जो रेफरेंस मटेरियल है वो मैंने इन दो रिपोर्ट से लिया है। पहली है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की, रिटेल रिसर्जेंस इन इंडिया लीडिंग इन द न्यू रियलिटी, ये फरवरी 2021 की रिपोर्ट है। और दूसरी IBEF यानी कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, उनकी नवंबर 2021 की रिटेल के ऊपर बहुत ही डिटेल रिपोर्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का रिटेल मार्केट। रिटेल का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जो एंड कंज्यूमर खरीदता है। इसमें सर्विसेज नहीं आते हैं और ना ही ट्रेडिंग आता है, या होलसेल ट्रेड जिसे हम बोलते हैं। भारत का रिटेल ट्रेड दुनिया में 5वें स्थान पर आता है। अब 2020 में हमारा टोटल रिटेल मार्केट 66,22,500 करोड़ रुपए का था। ये पिछले साल 21 में, अभी फाइनल फिगर्स नहीं आए हैं, करीब 90 लाख करोड़ का होने की उम्मीद है, और ये आगे बहुत तेजी दर से बढ़ता जाएगा। ये करीब 2026 में ये करीब दुगना हो जाएगा जो 2020 की वैल्यू थी। यही फिगर अगर आपको, कई लोग बिलियन ऑफ डॉलर्स में ये चाहते हैं जिससे ये कंपेयर हो जाए दूसरे देशों से, तो 2020 में 883 बिलियन डॉलर्स का हमारा रिटेल मार्केट था, जो कि दुगना हो जाएगा 2026 तक, 1,750 बिलियन डॉलर्स का। अब इसकी अगर आप ग्रोथ रेट देखें, जो हमारा मार्केट जो बढ़ रहा है वो 2011 से 14 के बीच में करीब 13.5% से ये बढ़ा। उसके बाद 2019 तक ये 12.2% से बढ़ा, और वो लगभग कंटिन्यू कर रहा है 2021 तक। और 2026 तक ये अनुमान है कि ये ग्रोथ दर कम हो जाएगी, ये करीब 7 या 8% के बीच में ये बढ़ेगा। और इसका भी एक कारण है कि ग्रोथ जो रिटेल की ग्रोथ है वो कम क्यों होगी। द रिटेल मार्केट इज़ एन इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए कंट्री, यानी कि रिटेल मार्केट
किसी भी देश के उपभोक्ताओं का एक सूचकांक है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इस समय, हम एक यंग नेशन है, तो ये जितना भी कंजम्पशन हो रहा है ये हमारे जो यंग पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे किसी भी देश की पॉपुलेशन बड़ी होती है, कंजम्पशन में धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। अब मैं आपको हिंदुस्तान के रिटेल मार्केट के कंपोनेंट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो फ्रूड एंड ग्रोसरीज का है। 65% हमारा जो रिटेल है वो खाद्य पदार्थों में होता है। दूसरे नंबर पर जहाँ पे हिंदुस्तान में कंज्यूमर्स खर्च करते हैं वो है कपड़े और जूते पर, 9.8%। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड आईटी, उस पर 9.2%। फिर ज्वेलरी और एक्सेसरी 7.1%, हेल्थ एंड एंटरटेनमेंट 3.7%, और घर के ऊपर फर्निशिंग्स वगैरह पे 2.7%, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पर 2%, और अन्य सभी 0.5%। तो सबसे बड़ा खर्चा हमारे यहाँ पे रिटेल मार्केट में होता है खाद्य पदार्थों पर। और इसी को मैं अगर आपको रुपए में दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है फूड एंड ग्रोसरीज पर, जो कि एक साल में 43,04,625 करोड़ रुपए। जी हाँ, अगर आप देखिए तो बाकी सब इसके मुकाबले में कहीं नहीं है। और तभी एक वजह है कि आप देखेंगे हर शहर में कोई ना कोई फूड एंड ग्रोसरी में कोई नया प्लेयर हर महीने आता रहता है, चाहे वो वेजिटेबल डिलीवरी हो, चाहे वो ग्रोसरी डिलीवरी हो। जितने बड़े प्लेयर्स उनके अलावा छोटे छोटे भी इसी स्पेस में घुसते जा रहे हैं। हमारी जीडीपी 2020 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स थी, जो के बराबर थी, जो कि 1,95,00,000 करोड़ रुपए थी। रिटेल बिजनेस उसका 34% था, और फूड एंड ग्रोसरीज 2020 में हमारी जीडीपी का 22% था। और जैसा मैंने कहा, 2020 में हमने कंज्यूम किया है 43,04,625 करोड़ वर्थ ऑफ फूड। और अगर आप इसमें प्रॉफिट देख लें, चाहे वो 1% हो, 2 हो, 5 हो, वो फिगर आप खुद बना लीजिए। और ये इतना बड़ा मार्केट है और इसीलिए ये एक अट्रैक्टिव बना हुआ है कि इसमें हर कोई घुसना चाहता है। और हिंदुस्तान की रिटेल मार्केट का एक बहुत ही एक ख़ास डेटा है, वो है कि जो हमारा रिटेल मार्केट है उसका 75% हमारे छोटे दुकानदार वो हैंडल करते हैं, जैसे कि किराना शॉप्स हुए या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हुए, मिड साइज, जिनको अंग्रेज़ी में मॉम एंड पॉप स्टोर्स भी बोलते हैं, जो गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं। और 2020 में ऐसा अनुमान है कि इस सेगमेंट ने जो बिजनेस किया था वो था 49,66,875 करोड़ रुपए। अब मैं बात करूंगा ई कॉमर्स स्पेस की। ई कॉमर्स में वो पार्ट रिटेल का आता है जो आप ऑनलाइन खरीदते हैं, जैसे कि आप अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से। कोई भी कंज्यूमर अगर वो प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदता है तो उसकी गिनती ई कॉमर्स में होती है। हमारा रिटेल मार्केट कितना बड़ा है? 2011 में ये केवल 18,000 करोड़ था, जो हमारे रिटेल मार्केट का 1% से भी कम था। ये धीरे धीरे तेज़ गति से बढ़ता गया और 2020 में जो ई कॉमर्स था वो हुआ 2,25,000 करोड़ रुपए का, और ये रिटेल मार्केट का 3.4% हो गया। 2021 में एक बहुत बड़ा जंप आया, ऑलमोस्ट दुगना, 2.5 गुना हो गया, 6,30,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए ई कॉमर्स पर, और ये रिटेल का 7% हो गया। नाउ इसका ये कारण था कि पेंडेमिक में जो 2020 में लोगों ने कुछ भी खर्च नहीं किया, वो सारा उन्होंने 2021 में खर्चना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ एक और जो भारी चीज़ हुई वो ये थी कि लोगों की आदतें बदल गईं, उनका उनमें एक
हैबिचुअल चेंज आ गया और वो ऑनलाइन पर दोबारा आ गए, जो कि पहले दुकानों में जाके जो प्रोडक्ट्स खरीदते थे, चीज़ें खरीदते थे, वो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए और ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ई कॉमर्स के भी उन्हें फ़ायदे नज़र आने लगे। इसलिए ये एक बड़ा जंप आया है और ये कई सालों तक ग्रोथ रेट हाई रहेगी। ई कॉमर्स मार्केट की हिंदुस्तान में ग्रोथ रेट 2011 से 14 के बीच में 80% CAGR थी, 2014 से 20 के बीच में 14%, और 2020-21 केवल एक ही साल में 180% का जंप आया, और ये अगले 5 साल में ये हर साल करीब करीब 19% से ये बढ़ता रहेगा। तो 2026 आने तक ये बहुत ही बड़ा मार्केट होने जा रहा है। तो रिटेल मार्केट एज सच में एक स्लो डाउन आ रहा है, उसकी ग्रोथ में ई कॉमर्स बहुत ही तेज़ तरीके से बढ़ता जा रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाके शॉपिंग करने लगे हैं। तो हमारे उन छोटे दुकानदारों का क्या होगा? वो जो 75% किराना शॉप्स का जो बिजनेस है, वो क्या अफेक्ट होगा? और इसी की चिंता सरकार को काफ़ी दिनों से बनी हुई थी। अब एक और ऑप्शन था जो छोटे दुकानदारों के लिए या ट्रेडर्स के लिए, वो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर जाकर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। जो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, वहाँ पे एक मार्केट होता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को आप उनकी साइट पर लिस्ट कर दीजिए, फिर वो वहाँ से जो उनकी साइट पर जो कस्टमर आते हैं उनको ऑप्शन होता है कि आपकी चीज़ भी वो खरीद लें। तो जो मेजर ई कॉमर्स प्लेयर्स हिंदुस्तान में इस वक्त हैं वो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इंडिया मार्ट, मंत्रा, उड़ान, अलीबाबा, शॉपक्लूज, कई और अन्य भी होंगे, बट ये सारे मेजर प्लेयर्स हैं। इन मार्केट प्लेस पर कोई भी जाके अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट कर सकता है और जो कस्टमर्स इनके साइट पे आएंगे वो सर्च करेंगे और अगर उन्हें आपकी चीज़ अच्छी लगेगी तो वो वहाँ से खरीद लेंगे। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो ये बहुत ही एक कम्बलसम प्रोसेस है। हर कंपनी का अपना एक रूल होता है, अपना एक तरीका होता है, उस पर आपको प्रोडक्ट उन्हीं की तरह से लिस्ट करने पड़ते हैं और फिर उनको आपको प्रमोट करना पड़ता है। अब प्रमोशन का मतलब ये है कि जब कोई कस्टमर सर्च करता है तो उसके पास केवल ये फ़ोन ही होता है जहाँ से वो देखता है, तो एक तरह से एक लिमिटेड स्पेस होती है जहाँ पर सर्च के रिजल्ट्स आते हैं। अब अगर आपका प्रोडक्ट सर्च में नहीं आया तो वो बिकेगा नहीं, और ये जो सर्च प्रोसेस है ये कंट्रोल करती हैं ये कंपनियाँ। अगर आपकी प्रोडक्ट को दिखाना है वो आपसे पैसे भी चार्ज करते हैं। तो उनका जो मेन बिजनेस है जो सेलिंग का, उसके अलावा उनका रेवेन्यू एक इस तरह से भी आता है, लोग उस पर एडवर्टाइज करते हैं वो उसका पैसा लेते हैं। और यही नहीं है, ये कंपनियां खुद भी उसी प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं, तो उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर आप एक तरीके से उनके कंपटीटर हो, और क्योंकि प्लेटफॉर्म उनका है वो उसको कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को हटा सकते हैं या दिखा नहीं सकते या सर्च से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोल इन कंपनीज के हाथ में रहता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को कहीं और लिस्ट करने जाओ, सपोज आज आप अमेज़न पर रहो और आप उसको फ्लिपकार्ट पर करना चाहते हो, तो आपको फिर से वही प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक क्लिक ऑफ अ बटन में आपने उस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया और वहाँ पे भी वो बिकने लगे। तो एक तरह से ये बड़ी जो कंपनियां हैं उनका ई कॉमर्स पर एक मोनोपोली सी बनती जा रही थी। अमेज़न फ्लिपकार्ट जो है, एक एक 4-5 साल पहले हमारे ई कॉमर्स का 30 से 40% वो उनका बिजनेस शेयर था। इसी को देखकर ये गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें इसके बारे में कुछ करना होगा।
और एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप अपनी खुद एक कंपनी बना लीजिए, अपनी वेबसाइट बना लीजिए और उस पर डायरेक्टली बेचने लगिए, जैसे ये अन्य कंपनियां करती हैं। जो आप देखेंगे मेक माई ट्रिप है या बुक माई शो है, ये मार्केट प्लेस पर नहीं जाते हैं, ये लोग अपनी कंपनियां चलाते हैं। लेकिन अगर आप अपना ई कॉमर्स सेटअप खुद करेंगे तो उसमें आपको सारे इश्यूज खुद देखने पड़ेंगे, जैसे कि डिलीवरी हुआ, रिटर्न हुआ वगैरह इत्यादि। तो एक ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि छोटे दुकानदारों की मदद कर सके, कि मेरी एक दुकान है और मैं अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी बेचना चाहता हूँ, चाहे वो एक छोटे से एरिया में क्यों ना हो। बट इसके लिए जो एंट्री बैरियर्स थे मार्केट प्लेस पे, वो बहुत ज़्यादा हैं, छोटे दुकानदार उसको समझ नहीं सकते हैं। दिसंबर 2021 में एक प्राइवेट सेक्टर में एक कंपनी सेटअप की गई और जिसके बोर्ड पर नंदन नीलकेनी और आर एस शर्मा जैसे लोग बिठाए गए। अब इन लोगों को सरकार ने ये बोला और ये कंपनी सरकार ने सपोर्ट की, यानी कि फंडिंग इसको गवर्नमेंट से आई, और ये बोला गया कि आप अगले 4-6 महीने में एक ऐसा प्रोसेस निकालिए कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ईबे, इन लोगों की मोनोपोली टूट जाए और कोई भी आसानी से जाके अपने प्रोडक्ट्स बेच सके। तो इसके लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC का इजाद किया गया। ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं और इसको कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि HDFC, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, PNB, इन सब लोगों ने ONDC में अपना स्टेक बढ़ा दिया है। अब आप ONDC के फायदे समझ लीजिए। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि जो सेलर है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकता है। मैं प्लेटफॉर्म ए पर जाके बेच सकता हूँ, मैं उसको बी पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बताएंगे कि कैसे वो प्रोडक्ट लिस्ट होगा, कैसे वो डिस्कवर होगा यानी कि सर्च होगा, और ये सब ओपन सोर्स, यानी कि ये इसका जो कोड है वो प्रोग्रामिंग कोड है वो पब्लिक डोमेन में रहेगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, खासकर मध्यम दुकानदारों के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। आप ई कॉमर्स के किसी भी मार्केट प्लेस पर बहुत आसानी से जा सकते हो और ये प्रोटोकॉल्स आपको एक तरह से उनकी मोनोपोली से बचाएंगे। अब ये ONDC पब्लिक को कब तक अवेलेबल होगा, इसका अनाउंसमेंट तो कल हो गया है, लेकिन ONDC वाले कहते हैं कि ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट अगस्त 2022 तक होगा और सारी ई कॉमर्स कंपनीज जो हमारे देश में ऑपरेट करती हैं उन्हें ये स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अपना प्लेटफॉर्म बंद कर सकते हैं। और यही वजह है जिससे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये जितने बड़े लोग हैं, रिलायंस, टाटा, ये लोग अब थोड़ा सा घबरा गए हैं, क्योंकि इन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं और अगर वो जो डिस्कवरी और सर्च उनके हाथ से निकल जाता है तो सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, वहाँ पे हर कोई इक्वल कंपटीशन में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इसको आप देखते रहिए, ये ONDC स्टैंडर्ड्स अब जल्दी रिलीज़ होंगे और जितने भी छोटे मीडियम बिजनेसमैन हैं और आप अगर चाहते हैं कि ई कॉमर्स आप करें तो ये आपके फ़ायदे की चीज़ आने वाली है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।